नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई होने वाला है। वो इसलिए मैं बता दूं कि जो गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के जॉब करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे पासपोर्ट, मैं बता दूँ 99% पासपोर्ट कंपनी अपने पास रखती है। जी हाँ, वर्कर के पास पासपोर्ट नहीं होता, कंपनी रखती है। वो सेफ्टी फी के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से ले लेती है आपसे। जबकि दुबई लेबर लॉ ये बोलता है कि पासपोर्ट नियुक्ता के पास नहीं, कर्मचारी के पास होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता, और ये आने वाले टाइम भी भाई नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक ये ज़्यादातर होता है ब्लू कॉलर लोगों के साथ में, जो मजदूर तबका है उनके साथ होता है। जो थोड़ा ठीक ठाक है, वाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब, ये तो समझदार होते हैं, इनको पूरा लोगों का पता होता है, तो ये तो पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और कंपनी को भी पता होता है। अगर कंपनी, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप, कंपनी ने आपको जॉब से निकाल दिया, या आपको कंपनी ने ये बोल दिया कि आपका करेक्टर सही नहीं है, कुछ आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए, कंपनी में जॉब नहीं आप बैठे हो, आपको इंडिया आना है, आपको दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाना है, उस दौरान कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं देना चाहती, आपका मालिक आपको पासपोर्ट नहीं देना चाहता, और वो ये बोलता है कि जब आप इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो टिकट लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना। ये बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि कंपनी ने ये बोला, मालिक ने बोला टिकट लेके आ जाओ, पासपोर्ट दे दूंगा, जबकि ये गलत है। UAE का MOI के द्वारा एक कानून बना था, बता दूं 2002 में, जी हाँ 2002 में 267 की धारा में ये प्रावधान किया गया है कि आपकी नियुक्ता यानी आपकी कंपनी, आपका मालिक आपका पासपोर्ट रखने के कोई हकदार नहीं है। जी हाँ, अगर वो पासपोर्ट रखते हैं और अगर आपका पासपोर्ट आप मांगते हो फिर भी वो आपका पासपोर्ट देने से इनकार कर देते हैं, तो उनके खिलाफ आप MOI में शिकायत कर सकते हैं, मोहरे में शिकायत कर सकते हैं, और बेस्ट ऑप्शन है पुलिस में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि ये मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और सीधा एक बढ़िया ऑप्शन मैं बता दूं कि आपका पासपोर्ट आपको लेना होता है तो कंपनी के ऑफिशियल मेल ID पे मेल कीजिए, वो एक एविडेंस बन जाता है। उनको बोलिए कि मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मेल ID का आंसर उनको देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो दोबारा कीजिए, 2-3 बार कीजिए, और अगर नहीं देते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हो, तो आपके पास एक एविडेंस बन जाता है, मजबूत एविडेंस, जिसमें कंपनी को बोलने का, सफाई देने का मौका नहीं मिलता। ये बता दूं कि जो MOI का जो एक्ट बना है 2002 में 267 की धारा में ये साफ साफ बोला गया है कि आप नियुक्ता कर्मचारी का पासपोर्ट नहीं रख सकते। जी हाँ, कर्मचारी के खुद के पास पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपने अपनी मर्जी से पासपोर्ट रख रखा है कंपनी में, ठीक है, और आपकी सुरक्षा के लिए दे रखा है, तो वो उनका अवैध कब्जा नहीं माना जाएगा, वो आपकी सहमति से पासपोर्ट दिया हुआ माना जाएगा। और बता दूं, आपका जो अग्रीमेंट होता है उसमें यही लिखा जाता है कि आप अपनी मर्जी से कंपनी को पासपोर्ट सौंप रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये इंग्लिश में होते हैं भैया, उर्दू में होते हैं, कौन पढ़ता है इतना पन्ना, 20-25 पन्नों का पेज हो जाता है, साइन करते रहते हैं, पता नहीं लगता, तो फिर इसका लोग, फिर कंपनी आपका मालिक है वो नाजायज फ़ायदा उठा लेते हैं। जबकि सच्चाई है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको कंपनी ने बिठा रखा है, जॉब नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं या इंडिया आना चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न है, जब आप आराम से पासपोर्ट ले सकते हैं, नहीं ले तो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, पासपोर्ट उनको देना ही पड़ेगा। और बता दूं कि बहुत सारे लोगों को, राजस्थानियों को मैंने देखा है कि उनको परिवार में डेथ हो रही है, घर में मौत हो रही है, कंपनी को बोलते हैं हमें घर जाना है, कंपनी इतनी कुत्ती चीज़ होती है, हरामी, कि वो एक बंदे को एक एक दो दो महीने रूम पे बिठा के रख लेती है। जी हाँ, उनको हिसाब नहीं देती हैं, हिसाब दे देती हैं, पासपोर्ट नहीं देती हैं, पासपोर्ट दे देती हैं तो हिसाब नहीं देती हैं, फिर इंसान को मजबूरी में इंडिया, वो कंपनी की सैलरी छोड़ के, उसको सब कुछ छोड़ के घर आना पड़ता है, 2-2, 3-3 महीने की सैलरियाँ कंपनी ऐसी की ऐसी खा जाती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, विरोध करें, समझ गए बात को। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।